हेलो गाइस, मैं हूं तासिक। आप देख रहे हैं टेक्नोता यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आऊं जिसे यूज करके आप कोई भी एप्लीकेशन को फुल्ली तरीके से एडिट कर सकते हैं। गाइस, प्ले स्टोर पे आप लोगों को बहुत से एपीके एडिटर देखने को मिल जाएंगे, बट गाइस ये जो एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूँ इसके जैसा आप लोगों को कोई भी नहीं मिलेगा। गाइस, बस आप लोग वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहेगा, मेरे स्टेप को फॉलो करिएगा। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख गई होगी। अब गाइस, सबसे पहले आप लोगों को एपीके एडिटर को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दी है और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से ज्वाइन होकर फटाफट से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। अब गाइस, इसके साइड में आप लोगों को एप्लीकेशन दिख रहा होगा जिसपे मेरा लोगो लगा है। गाइस, इसी एप्लीकेशन को मैं अगेन एडिट करके दिखाऊंगा। इसको मैंने ऑलरेडी एडिट करके रखा है। अगर गाइस आप लोग एपीके एडिटर को यूज करना सीख गए तो आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को फुल्ली एडिट कर सकते हैं। गाइस, अब गाइस यहाँ पे मैं एपीके एडिटर को ओपन करके कुछ स्टेप आप लोगों को बता देता हूँ और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, 100% आप इसको भी कम्प्लीटली सीख जाएंगे। गाइस, यहाँ पे मैं सबसे पहले एपीके एडिटर को ओपन करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे एपीके एडिटर ओपन हो गया है। अब गाइस, जैसे ही ओपन होगा आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। गाइस, यहाँ पे आप लोगों को नीचे सेटिंग, एग्जिस्ट, प्रोजेक्ट, एपीके फाइल, इंस्टॉल्ड ऐप का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप लोगों का एप्लीकेशन फाइल मैनेजर में है, इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग एपीके फाइल पे क्लिक करके उस फोल्डर में जाके उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों का एपीके इंस्टॉल है उसको एडिट करना चाहते तो नीचे आप लोगों को इंस्टॉल्ड ऐप पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को जो भी एप्लीकेशन एडिट करना है वो सर्च कर लेना है। यहाँ पे मैं अपने एप्लीकेशन का नेम टाइप करके सर्च बटन पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए गाइस, ऊपर आ चुका है। अब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो होंगे। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे फुल एडिट दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे डीकोड ऑल फाइल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एप्लीकेशन की फाइल डिकोड हो जाएगी। यहाँ पे गाइस, अब एप्लीकेशन की फाइल डिकोड हो चुकी है। नीचे आप लोगों को तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो हमारा मेन काम है इसमें वो सब फाइल्स ऑप्शन में से होगा। यहाँ पे मैं फाइल ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ फोल्डर दिख गए हैं। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान देनी है, जो लोग एप्लीकेशन एडिट करना जानते हैं उनको पता होगा कि असेंबली फोल्डर क्या होता है। गाइस, अगर आप लोगों को असेंबली फोल्डर में कुछ भी एडिट करना है तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे असेंबली फोल्डर नहीं दिख रहा, ऊपर आप लोगों को असेंबली लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे ही असेंबली पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे असेंबली फोल्डर शो होने लगेगा। अब गाइस, असेंबली फोल्डर हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ती है? गाइस, जब भी हम लोग कोई भी पेलोड को बाइंड करते हैं किसी एप्लीकेशन में, उसके लिए हम लोगों को असेंबली फोल्डर की जरूरत पड़ती है, बट अभी नहीं पड़ेगी। अब गाइस, हम लोग अपने एप्लीकेशन को एडिट करेंगे। यहाँ पे जो सभी फोल्डर होते हैं, नेम का, लोगो का, टेक्स्ट का, सभी रेस नेम के फोल्डर में होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा कि रेस नेम का फोल्डर दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका लोगो चेंज करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आऊंगा, यहाँ पे आप लोगों को मिप मैप नेम के कई फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। इसमें से जिसमें लोगो है उसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला फोल्डर है मिप मैप एनी डीपीआई V26, इसमें कोई भी लोगो नहीं है, इसको हम लोगों को नहीं टच करना। अब मैं सेकंड वाला फोल्डर ओपन करके दिखा देता हूँ, मिप मैप HDPI V4। सो गाइस, यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड भी दिख गया। अब मैं बैकग्राउंड को व्हाइट रखूंगा और लोगो को भी चेंज करूंगा। अब गाइस यहाँ पे कुछ बातों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आपका लोगो या बैकग्राउंड होगा वो PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ PNG फॉर्मेट में है। अगर गाइस आप लोगों का JPG फॉर्म में होगा तो यहाँ पे रिप्लेस नहीं होगा, उसको एडिट करके PNG फॉर्मेट में बना लीजिएगा। अब गाइस यहाँ पे जो सेकंड बात है उसको भी आप लोगों को बहुत ही ध्यान से नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इसका रिजोल्यूशन है वो 72x72 है और जो बैकग्राउंड का रिजोल्यूशन है 162x162 है। गाइस, अब आप लोगों को फोटो को रिप्लेस करके इसके रिजोल्यूशन को भी रिसाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं IC लॉन्चर को चेंज करके उसको रिसाइज करूंगा। यहाँ पे आप लोगों को साइड में स्क्वायर बॉक्स दिख जाएगा, इस पे टिक करके नीचे आप लोगों को रिप्लेस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपका जहां भी
लोगो होगा उस फोल्डर में चले जाना है। यहाँ पे मैं उस फोल्डर में चला जाता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को मेरा लोगो दिख गया होगा, PNG फॉर्मेट में है, बट इसका रिजोल्यूशन जो है 3840x3840 है। अब गाइस इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा फोटो रिप्लेस हो चुका है। अब गाइस मैं इसके रिजोल्यूशन को रिसाइज करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं टिक को हटा दूंगा। उसके बाद गाइज मैं आईसी लॉन्चर पे टाइप कर दूंगा, फोटो ओपन हो जाएगा। नीचे आप लोगों को रीसाइज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे टाइप करके यहाँ पे आप लोगों को दोनों पे 72 टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको नीचे रीसाइज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को बैक वाले बटन पे क्लिक करके सेव बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसका रिजोल्यूशन भी 72x72 हो जाएगा। यहाँ पे गाइज एक बार बैक करूंगा तभी ये होगा। ये देखिए गाइज चेंज हो चुका है। अब गाइज ऐसे ही मैं करके इसके बैकग्राउंड को भी चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड जो है व्हाइट रखूंगा। अब गाइस यहाँ पे मैं इसको भी स्क्वायर बॉक्स पे टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद नीचे रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे अगेन टाइप करूंगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं व्हाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसका रिजोल्यूशन देख सकते हैं कि 1280x1280 है। अब गाइस इसको मैं 162x162 कर दूंगा। करने के बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों को रिसाइज पे क्लिक कर देना है। तो गाइस वैसे ही मैं इसको भी रिसाइज कर दूंगा। रिसाइज करने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला फोल्डर है उसमें हमने दोनों को चेंज कर दिया है। गाइज आप लोग भी ऐसे ही चेंज कर लीजिएगा। गाइज जिस जिस फोल्डर में लोगो आप लोगों को उस एप्लीकेशन का दिखेगा वहां पे आप लोगों को अपने लोगो को रिप्लेस कर देना है। अब गाइज ऐसे ही करके मैं सभी फोल्डर में लोगो और बैकग्राउंड को रिप्लेस कर लेता हूं। और गाइज याद रखेगा कि साइज को भी वही रखेगा। अब जैसे ही दूसरा फोल्डर ओपन करेंगे वहां पे आप लोगों को साइज दूसरी देखने को मिलेगी। उसकी साइज को भी बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो आपका जो लोगो है वो साइज में छोटा बड़ा हो जाएगा। सो गाइज वैसे ही सेम आप लोगों को रिप्लेस करके रिसाइज कर लेना है। गाइज अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि गाइज अगर मैं पूरा स्टेप बताने लगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग बन जाएगी। तो गाइज यहां से मैं फटाफट से कर लेता हूं। तो गाइज यहाँ पे मैंने सभी फोल्डर में लोगो और बैकग्राउंड को रिप्लेस करके रिसाइज कर दिया है। अब गाइज यहाँ पे एक फोल्डर और होगा जिसमें हमारा जब एप्लीकेशन ओपन होता है तो वहां पे कुछ भी शो होता है उस फोल्डर में उसका लोगो या फोटो रहता है, उसमें जाके उसको भी आप लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा। गाइज उस फोल्डर का नेम है ड्राइबल LDPI V4। गाइज इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें भी मेरा लोगो है। यहाँ पे गाइज ये देखे मेरा लोगो दिख गया होगा, बट गाइज ये जो लोगो है बहुत ही छोटा दिख रहा है। जब मेरा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है तो वहाँ पे लोगो जो शो होता है बहुत ही छोटा होता है। इसकी साइज को मैं थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा अपने हिसाब से। सो गाइज यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। अब गाइज इसको भी रिसाइज कर दिया हूँ। रिसाइज करने के बाद आप लोगों को बैक आ जाना है। अब गाइज यहाँ पे हमारा लोगो और बैकग्राउंड का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एप्लीकेशन के नेम को चेंज करेंगे। यहाँ पे आप लोग जो भी एप्लीकेशन को एडिट कर रहे हैं उसका नेम चेंज करना होगा, तो उसी नेम को आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। नीचे आप लोगों को सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे वही नेम टाइप कर देना है। यहाँ पे मैं अपने एप्लीकेशन का नेम टाइप करके सर्च बटन पे क्लिक कर देता हूँ।
सो गाइस यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन देखने को मिल गए हैं, एक हेडर का और एक स्ट्रिंग्स का। अब यहाँ पे मैं हेडर पे टैप करता हूँ तो जो मैंने सर्च किया था यहाँ पे शो हो गया है। अब जहाँ नेम शो हुआ है उस पे आप लोगों को टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है कि आपका एप्लीकेशन का नेम कहाँ पे लिखा हुआ। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टेक्नो ताहा वेब व्यूअर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ व्यूअर को डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद अब ऊपर सेव बटन दिख जाएगा। जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा ये सेव हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब मैं दूसरी फाइल पे टैप करता हूँ। टैप करने के बाद यहाँ पे भी मेरे एप्लीकेशन का नेम दिख गया है। सो गाइस इस पे भी टैप करके मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के बाद आप लोगों को नीचे सेव का बटन दिखेगा, इस पे टैप कर देंगे ये भी फाइल सेव्ड हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पे हमारा टेक्स्ट का भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ऊपर आप लोगों को बिल्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखिए गाइस दिख रहा है, इस पे जैसे ही टैप करेंगे आपका एप्लीकेशन बिल्ड होने लगेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन बिल्ड होने लगेगा। अब आप लोगों को कुछ मिनट वेट करना पड़ेगा। फाइनली गाइज यहाँ पे एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है। अब मैं जो ओल्ड एप्लीकेशन मेरे में इंस्टॉल था उसको मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा। यहाँ से मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद गाइज अगेन इसको इंस्टॉल करूंगा। सो गाइज यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका नेम भी चेंज हो चुका है, इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है। अब गाइज मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइज ऊपर नेम जो है पहले टेक्नो ताहा वेब व्यूअर था, अब टेक्नो ताहा वेब हो चुका है। सो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को साइड में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइज मेरा लोगो भी चेंज हो चुका है और टेक्स्ट भी चेंज हो चुका है। गाइज ऐसे ही करके आप कोई भी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं, उसमें आप लोग अपने से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। गाइज बस आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर गाइज आप लोग इस एप्लीकेशन को सीख गए तो आप लोग कोई भी एप्लीकेशन हो, कितना भी बड़ा एप्लीकेशन हो, सब में आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं। आई होप गाइज ये एप्लीकेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। गाइज ऐसे ही लेटेस्ट एप्लीकेशन टिप्स एंड ट्रिक्स गेमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही अगला अपडेट है आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।